हो रही है यहाँ पे, जंगली जानवरों की आप आवाज सुन पा रहे हो, ये जंगली जानवर है यहाँ पे ये। हाँ जी नमस्कार, दिस इज बलवीर शर्मा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं एक बार फिर, और सारे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए हम लोगों ने किस तरीके से डैन कौन पोलानी माता का ट्रैक को कंप्लीट किया, बाकी सारी चीजें आप। चाचा ने अभी अनाउंसमेंट कर दिया भाई, यहाँ से कूदे तो आपके पत्थर टूट जाएंगे। बिल्कुल चाचा राइट हो, आप सही मोड़ पे खड़े हो। सो आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आगे पल पल की न्यू अपडेट लेने के लिए। सो रिक्शा चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं ट्रैक को यहाँ से चढ़ना। हम लोगों ने जो नीचे आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ से ट्रैकिंग को स्टार्ट कर दिया चढ़ना, और ये उस रास्ते के नजारे हैं, आप एंजॉय कीजिए। हम लोगों का वैन उधर नीचे खड़ा है, वो रहा पॉइंट। हम लोग यहाँ से आके पैदल आ रहे हैं, तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। ये किसका है? अपना ही है। हाँ पानी है। तो अभी थोड़ा हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। टॉप एक्चुअली वो रहा, वो मेरे हिसाब से वो जो घर सा बना हुआ वही टॉप है। अरे सुन ले, 10 रुपए दे देना यार। क्या है, किस चीज का तेल है? तेल है किस चीज का? ममेरी। एक बार ममेरी, एक बार हल्की हल्की, एक बार यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ी रहे थे, तो यहाँ से हल्का फुल्का नशा सुन के हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ने लग रहे हैं। जय माँ पोह, लावी दूरी 1300 मीटर बाकी है। वो जो ऊपर कुछ स्टॉप सा है एक साइड के अंदर, ये पूरा खड्डा सा है, दूसरी साइड पे ये लोग विकास और आगे को बढ़ रहे हैं। ट्रैक बहुत ही शानदार है। वो पता नहीं क्या खा लिया उसने। उसने? चलिए फिर जानते हैं अपन लोग जिस ट्रैक पर चलने जा रहे हैं उसके बारे में। ये एक्चुअली डलहौजी से मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर साइड से ट्रैकिंग की स्टार्टिंग है। यहाँ पर पास ही एक एयरपोर्ट है, तो वहीं तक गाड़ियों को आने दिया जाता है। ये ट्रैक बहुत ही शानदार है, तकरीबन 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है सीधी पहाड़ पर, वहाँ जाके पोलानी माता का मंदिर है। इस मंदिर के पीछे की कहानी यह है कि ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर यहाँ पे पहले राक्षस रहा करते थे, फिर पोलानी माता ने एक दिन अचानक से किसी गांव के सपने में आया, और फिर उसके बाद उन्होंने एक पहलवान का रूप लिया और फिर उस राक्षस का वध किया, तो इस वजह से ये मंदिर फेमस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नवरात्रा के टाइम पर टूरिस्ट आते हैं। ये आप यहाँ का टाइम लैप्स देखिए कितना शानदार आ रहा है। हाँ जी नमस्कार, हम लोग मैं और विकास आ गए हैं आगे की तरफ। हम लोगों ने तकरीबन ये 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक था वो कंप्लीट करके स्टार्ट करा है। कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं आप मेरे सामने, जो गहराई है पहाड़ों की उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। बादल है वो बहुत ज़्यादा नीचे रह गए हैं। विकास 2 सेकेंड रुकी है प्लीज़, मैं कम्प्लीट करके आ जाऊँ। एंड ये ट्रैक है इधर से, ये इधर से ये रास्ता रहा और हम लोग जाएंगे यहाँ ऊपर की तरफ। तो गाइस ये है मंदिर यहाँ का, पोलानी माता। और ये गाइस हम बैठे हैं, भैया के हाथ में बैग। मंदिर के पिछू नज़ारे कुछ ऐसे हैं जो आप पूरा, बहुत ही शानदार लोकेशन है। अगर आप
यहाँ पे डलहौ जी आते हो तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, बहुत ही जानदार और शानदार ट्रैक है। लोग कुछ ऐसा मंदिर है। हाँ जी, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर थोड़ा जाना मना सा रहता है। कुछ पेड़ों का स्ट्रक्चर देखिए, विक्सा आगे हमारी टीम को लीड कर रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। चच्चा लोग वगैरह भी पीछे आ रहे हैं पीछे को, बट हम लोग अभी ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। देखते हैं, इस पहाड़ी पर जाना वैसे हर कोई जाता नहीं है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं ट्रैकिंग। ये थोड़ा हार्ड ट्रैक है, सो यहाँ पे आप हॉर्स लेके ऊपर की तरफ जा सकते हो। सो विक्सा कैसे है भाई? तो आलू हमारा आलू बना देगा या फिर बालू बालू रह जाएगा और हम रह जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा कीचड़ भरा रास्ता है, फिर भी हम लोग इन कठिनाइयों को पार करेंगे क्योंकि वी आर ट्रैकिंग लवर एंड इस पहाड़ी के ऊपर तक पहुँचेंगे। पहाड़ी के टॉप से आप सभी को हम लोग वीडियो बनाकर दिखाएंगे। हाँ जी, हम लोग अभी आए थे, हमें एक पेड़ का स्ट्रक्चर दिखा, यहाँ पे इसमें त्रिशूल जैसा कुछ दिख रहा है, हालांकि ये प्राकृतिक है, ऐसा कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। बट कोई कहने को मतलब ऐसे फोटो वोटो खींच के बोल सकता है कि भाई ये शिव जी का पेड़ है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, बट ये बहुत सुंदर है। और नीचे का व्यू चकाचक, रापचिक और हमारे चाचा है वो फूलों के बीच में घुस घुस के फोटो खिंचवा रहे हैं, लग रहा है चाचा को कुछ अजीब सा। हाँ जी नमस्कार, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि नेहा को लग गया जुकाम, दीक्षा बैठी है पास में थकी हारी और हम लोग एक बीच पर इंतजार करते हैं अपने साथियों का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर जबरदस्त वातावरण और वाइब्स है। साथ में विकास और लोकेंद्र वहाँ पे मिनरल्स वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं। भैया इधर बैठे हैं और जी हाँ मैं इधर बैठा हूँ, मेरे पीछे मोहित खड़ा है, पीछे हमारी वैन गाड़ी खड़ी है और उसके पीछे हम अपने साथियों का इंतजार कर रहे हैं जो कि हमें दिख रहे हैं उधर से। हाँ जी, तो कुछ ये वाला सिनेरियो है, बहुत ही यहाँ से सुंदर आपको नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। किसी ने आवाज लगाई उधर से, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी आप देख सकते हो। बारिश हो जाए तो मजा आ जाए, मुझे ऐसे लग रहा है अभी बारिश आने वाली है, लग नहीं रहा आपको भी लग रहा है? ओके, अगर बारिश आ जाए तो फिर पैदल चलेंगे, पक्का चलेंगे, फिर सीधे कूद जाएंगे। हाँ जी गाइस, तो हम लोग अभी लंच करके आ गए वापस, कुछ इस तरीके का व्यू है रास्ते का। हम लोग जा रहे हैं पंचपुला या फिर पंचकुला, आई डोंट नो एग्जैक्ट नाम व्हाट इज द करेक्ट नेम, बट हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी वाटरफॉल के लिए। यहाँ पे ऐसा कोहरा और ऐसी गाड़ियाँ आती है, कुछ लोग फोटोशूट करवा रहे हैं एक साइड में पूरे जबरदस्त। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे पूरे जंगली जानवर है, भालू भालू की टेरिटरी में हम लोग घुस रहे हैं। डीए मेरे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं, मतलब मौसम इतना जबरदस्त हो रखा है, आप इसको ऐसे शब्दों से नहीं बयां कर पा सकते। अगर आप इसको देखो तो आपको पता चलेगा कि कैसा हो रहा है, पूरी गाड़ियां इधर उधर से आ रही है और ये देखिए रास्ता। माय गॉड, नीचे पूरे बादल। हमें चार प्यारे प्यारे पहाड़ी बच्चे मिले हैं,
ये लोग पर डे अपने स्कूल से घर तक 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आप 8 किलोमीटर पर डे आते हो ना? ठीक है, दीदी की रोटी शटक पड़ी है और यहाँ पे बीच में एक अच्छा सा लोकेशन मिला है यहाँ पे हम लोग। और ये सारा कारतूत है रोड पे, ये बंदरों का है, वो बंदरों के काका है, उनने और उनके भतीजे में लड़ाई होगी। सो ये लोग अभी ऐसे ऐसे करके पूरी रोड पत्थर से भर रहे हैं। बच्चे थे हमारे साथ, वो अभी एक पिकअप में चढ़ गए, अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल, हमें फिर भी चलना पड़ेगा कुछ इस तरीके का। ऊपर भालू की टेरिटरी है और आई होप भालू आ जाएगा नहीं, भालू छुट्टी पे है। पूरे पेड़ है, उन पे काई जमी हुई है, बीच बीच में ट्रक, रास्ता है एकदम सुनसान, मस्त बट जबरदस्त। सो अभी हम लोग सरदार अजीत सिंह स्मारक स्थल है, सरदार अजीत सिंह सॉरी, बादल नीचे आ रहे हैं अभी। यहाँ पे ऐसा कुछ मार्केट वगैरह है शायद, तक मेरे हिसाब से वाटरफॉल ऊपर की तरफ होगा। और अभी रास्ता आगे कोई गांव है, वहाँ जा रहा है। ये वाटरफॉल के कुछ हल्के फुल्के नज़ारे आप देख सकते हैं, वाटरफॉल के लिए रास्ता ज़्यादा ऊपर की तरफ, छोटे छोटे ऐसे है यहाँ पे, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, सो हम लोग अभी जिस चीज के लिए आए थे, पंचकूला वाटरफॉल खोदा पार्ट निकली थी या ये निकला है, अभी देखने को देख सकते हो आप लोग, कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। नीचे से सीन ऐसा है, तो हल्का फुल्का छोटा सा झरना, अगर आप कल हाउस से एक्सपेक्ट करके पैदल यहाँ तक देखने के लिए आते हो तभी मत आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हालांकि जब ऊपर बारिश हो तब यहाँ थोड़ा अच्छा हो सकता है, बाकी ये सीन है। तो यहाँ पे पंचकूला वाटरफॉल पे एडवेंचर एक्टिविटीज है, 500 रुपये चार्ज है इसका। यहाँ से आप लोग वहाँ तक जा सकते हो, फिर ऊपर से वापस बाई जेट लाइन यहाँ तक नीचे आ सकते हो। तो वाटरफॉल से आ गया नीचे, कुछ इस टाइप का सीनेरियो है, कुछ खास है नहीं, मतलब पंचकूला करके आप खाने पीने की चीज़ें इंजॉय कर सकते हो और एक्टिविटीज। वो इंसान माउंटेन ड्यू ऊपर पी के चल रहा है ना, वेज मोमो, पनीर मोमो, फ्राइड मोमो, फ्राइड और अल्ले पनीर मोमो नहीं है ये पूरा खाए कागज गिफ्ट कर दो, अरे मैं पोर्ट्रेट का रख के दिता नंबर बहुत टाइम बाद, कम से कम भी 3.5-4 साल बाद पोर्ट्रेट संता का पोर्ट्रेट करता, पानी पै गया, खराब हो गया।